दान करें सोच समझकर। आज की वीडियो में यही आपको बताने जा रही हूँ कि कई बार दान अगर गलत तरीके से दिया गया है तो वो जी का जंजाल बन जाता है। कई बार व्यक्ति दान देता है चीज़ों को और कई बार वो खुद ही भिखारी बन जाता है। धर्म शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं हर चीज़ के बारे में, लेकिन उनको कितने लोग समझते हैं ये सोचने की बात है। लोग सुनी सुनाई बातों पर, देखी देखी बातों पर, किताबी ज्ञान पर, इनके आधार पर अपने आप ही निर्णय ले लेते हैं कि क्या दान करना है, क्या नहीं दान करना है, किस तरह से करना है। तो इसी चक्कर में मामला ख़राब हो जाता है बिल्कुल। और इसको सुधारा कैसे जाए, आज के वीडियो में यही आपको बता रही हूँ कि वास्तव में दान किस तरह करना चाहिए। अफसोस की बात तो यह है कि बहुत सारे पंडित ऐसे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन जो सच है वो बोलना ज़रूरी है, कि किसी की कुंडली है, बुध उच्च का है, कन्या राशि का बुध है और केंद्र में बैठा है, अच्छी जगह बैठा है, और पंडित जी बोल देते हैं साबुत मूंग बुधवार को दान करो, चारा दान करो, बंटाधार। जो ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, इन केस वो आपका लग्नेश है और आपने उसका दान करने को बोल दिया, तो उस व्यक्ति के लिए तो कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। दान तब दिया जाता है जब कोई ग्रह नीच का हो, अनिष्टकारी हो, तो हम उस ग्रह की अशुभता को नष्ट करके शुभता को प्राप्त करने के लिए दान देते हैं। गुड़ चने का दान करो भाई, सुन लिया महिलाओं ने, पार्क में गए, मंदिर में गए, 8-10 महिलाओं की मंडली बैठी है, एक ने कहा भाई मैं तो ये चने की दाल और गुड़ का दान करती हूँ। अच्छा तू भी करती है, ले मैं भी चालू कर देती हूँ। चालू कर दिया, ना कुंडली का पता है ना ग्रहों का पता है, बस भेड़ चाल ये कर रही है तो मैं भी कर लेती हूँ, इसके घर में पता नहीं क्या क्या आ रहा है तो मैं भी ले आती हूँ। तो मैं आपको आज यही कहूँगी प्यारे मित्रों, मैं यही कहूँगी कि आपको सोच समझ के सब कुछ काम करना चाहिए। भीड़ चाल के आप भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान बनाइए, अपनी कार्यशैली बनाइए, अपने काम करने का तरीका बनाइए। वो तब होगा जब थोड़ी समझदारी दिखाओगे, ना कि दूसरों के बहकावे में आओगे। तो आज के वीडियो में बता रही हूँ दान क्या करना चाहिए। देखो अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह नीच का है उसका दान करना चाहिए। अब मान लीजिए आपको कुंडली नहीं मालूम है तो आप कैसे तय करोगे, तो मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बातें जिनके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो कि अब आपको क्या दान करना चाहिए। अगर आपको बार बार बहुत भयंकर गुस्सा आता है, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, पति क्या कहते हैं आप समझते क्या हो, और घर में माहौल बड़ा ख़राब हो चुका है, तो आपका मंगल पीड़ित है और मंगल की कारक चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। मतलब मंगल आपकी कुंडली में दोषपूर्ण है, आपको परेशान कर रहा है। इसके अलावा आपको चोट लग जाती है अक्सर। आप कहते क्या हो, लोग आपकी बात को क्या समझ जाते हैं, आपका लड़ाई झगड़ा होता रहता है बेफिजूल किसी से भी, आपके ऊपर झूठे लांछन झूठे आरोप लग जाते हैं, आप पर बिना वजह पुलिस केस बन जाता है, तो आपका मंगल पीड़ित है। तो मंगल की कारक चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। लाल चंदन, लाल रंग का कपड़ा, मूंगा, मंगल का यंत्र, ये सब चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। लाल रंग के फल फूल, इसका आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल की शांति होगी। और ये रेगुलरली करिए, मसूर की दाल का भी दान करें, लाल मिर्ची का दान करें। अगर आपको साफ़ सफाई पसंद नहीं, आपके घर में गंदगी रहती है, चाहते हैं सफाई करना लेकिन नहीं कर पाते, इच्छा तो बहुत है कि घर बहुत चमकता रहे लेकिन नहीं हो पाता, पति पत्नी जब रोमांस करने बैठते हैं तो झगड़े चालू हो जाते हैं, जब भी बेडरूम में वक्त बिताने की कोशिश करते हैं तो एक किस कमरे में दूसरा किस कमरे में, और चिल्लाना चालू, पति ने पत्नी पर चिल्लाना चालू कर दिया, तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। आप एक ही कपड़े बार बार पहनते हैं, आपके घर के टॉवल अक्सर गंदे रहते हैं, बेडशीट सबके घर की गंदी रहती है, आपको चावल पसंद नहीं है खाना, चावल से चिढ़ते हैं आप, चावल के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, तो आपका शुक्र ख़राब है। स्त्रियों का सम्मान करना सीखिए, चावल और चीनी का दान करिए। शुक्रवार के दिन परफ्यूम डियो का प्रयोग करिए, सफ़ेद पुष्प घर में लगाइए, शुक्रवार का व्रत कीजिए और दान सामग्री के रूप में चावल चीनी सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, तो इससे शुक्र आपका बेहतर बनेगा। अगर शादी के बाद ससुराल में यश नहीं मिलता है, आपको लोग इज्जत नहीं देते हैं, इसके अलावा आप छोटी छोटी बातों पर आप खुद मीन मेंटेलिटी के हो जाते हो, तो आपका बृहस्पति पीड़ित है कहीं ना कहीं, आपका आप पूजा नहीं कर पाते हो घर में, आपके दीपक प्रज्वलित नहीं हो पाता है पूजा स्थान में, अक्सर आपकी तुलसा जी सूख जाती है, आपके घर में भगवान को आप स्नान नहीं करा पाते ग्रहण काल में या अन्य समय पर भी, तो आपका बृहस्पति पीड़ित है। चाहते हुए भी मंदिर नहीं जा पाते, गुरुवार का व्रत करने की सोचते हो पर नहीं कर पाते, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं विषम स्थिति में है। तो गुरु की कारक चीज़ों का दान करिए, चने की दाल हो गई, साबुत चना हो गया, बेसन का दान कर सकते हो, साबुत हल्दी का दान कर सकते हो, पिसी हुई हल्दी का दान कर सकते हो, पीले पुष्प पीले फल का दान कर सकते हो, गुड़ चने की दाल का दान तो कर ही सकते हो, केले मंदिर में चढ़ा सकते हो, ऐसा करने से पीली गाय की आप सेवा करो, ऐसा करने से आपके जो बृहस्पति है उसको पावर मिलेगी। तो देखा, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके ग्रह कैसे पीड़ा दे रहे हैं और किन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप किसी को खाना खिलाते हो, ठीक है खिलाना चाहिए, गरीबों को भी खिलाना चाहिए, लेकिन अक्सर आपके रिश्तेदार आपके घर पर आकर खाना खाते हैं, तो आपके घर में कोई ना कोई बड़ी समस्या आ सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना।
रिश्तेदारी निभाइए, लेकिन अक्सर बिना वजह रिश्तेदार आते हैं और खाना खाए बगैर नहीं जाते, जबकि आप नहीं चाहते वो आपके घर में खाना खा के जाएँ, तो आपके घर पर कोई ना कोई बड़ा संकट आने वाला है। तो ये देखो ना, दान है, खिलाना पिलाना, हम कहते हैं अच्छा काम करो, कई बार तो मंदिर जो व्यक्ति जो धर्म स्थान में जाता है तो उसके लिए भी स्थिति अनिष्टकारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? जिनकी कुंडली में शनि अष्टम घर में बैठा है, अगर वो रेगुलरली जाकर पूजा पाठ करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उनको मेडिटेशन करना चाहिए, पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए, आध्यात्मिक भी होना चाहिए, लेकिन मंदिर में जाकर जो एक सात्विक पूजा करते हैं उसकी जगह उनको मेडिटेशन करना चाहिए और लोगों का दिल खोल कर भला करना चाहिए। ऐसा करने से उनके ग्रहों को पावर मिलेगी और किसी प्रकार की अनिष्टता भी उनके जीवन में नहीं आएगी। तो देखा मैंने कितनी अलग आपको बात बताई, तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। और इसमें मैं जानती हूँ कुछ ग्रहों की बातें रह गई हैं, तो शीघ्र ही एक वीडियो दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे बची हुई जानकारी भी आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।